रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि भाई बैकस्टेबर के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आओ, तो मैं फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ। देखो, बैकस्टेबर का रोल मैंने रैंक वाले वीडियो में समझाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई सेक्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। पहले टिप्स ये है, टिप्स भी नहीं कहूंगा, अगर आपको गेम खेलना है एज अ बैकस्टेबर तो आप सर्वाइव करने के लिए जिंदा रह सकते हो, वरना आप शुरू में मर जाते हो इम्पोस्टर द्वारा तो भी कोई बात नहीं, आप मरने के बाद भी गेम जीत सकते हो। देखो, ये पहला ऐसा अकेला रोल है जो मरने के बाद भी जीत सकता है, और आप लोग बोलोगे यार स्पेस क्रू भी मरने के बाद जीत सकते हैं, लेकिन स्पेस क्रू मेजोरिटी रोल है, ये अकेले की बात चल रही है पूरी गेम में। तो देखो, यहाँ पे मेरे को वोट आउट करके भी निकाल लिया, यहाँ पे मैंने किसी को मारा नहीं था, तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस क्रू के साथ जीत गया, और यहाँ पे गेम स्पेस क्रू ने जीत लिया था। यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है कि स्पेस क्रू बैकस्टेबर विन। अब देखो दूसरी गेम में क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक बंदे को किल कर दिया था और वहाँ पे मेरा नाम रिवील हो चुका था। जैसे आप किसी को किल करोगे तो पूरी लॉबी में एक मैसेज पॉप अप हो जाएगा कि ये बंदा बैकस्टेबर है, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को निकाल लिया था और इम्पोस्टर ने यहाँ पे गेम जीत लिया था, तो यहाँ पे मैं इम्पोस्टर के साथ भी गेम जीत जाता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया रोल आया है इन लोगों ने, ये सर्वाइवल से 10 times बेटर है, क्योंकि सर्वाइवल मर जाता है तो वो गेम नहीं जीतता, लेकिन यहाँ मरने के बाद भी आप जीत सकते हो गेम। और अगर आपको रैंक पुश करना है तो बेस्ट है बैकस्टेबर का कार्ड लगा लीजिएगा। पहले लोग सर्वाइवल से बहुत रैंक पुश करते थे, अब बैकस्टेबर से भी बहुत सारे रैंक पुश करने वाले हैं बंदे। तो ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि आप मरने के बाद भी गेम जीत सकते हो। दूसरी टिप ये है कि अगर आपको लग रहा है कि स्पेस क्रू गेम जीतने वाले हैं तो किसी को किल मत कीजिएगा, अगर आपको इम्पोस्टर मारने आ रहा है तो भी आप मर जाएगा, उसको भी मत किल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किल करते हो तो आप इम्पोस्टर की साइड हो जाते हो, तो इससे अच्छा वो आपको मार दे तो वो पकड़ा जाएगा और आप जीत जाओगे गेम। तो यहाँ पे आपने देखा वाइट ने मेरे को मार दिया है, तो यहाँ पे ना रेड और पिंक ऊपर वाले ऑटो फिक्स करने गए थे, और यहाँ पे सियान वाइट और मैं नीचे एडविन वाले ऑटो फिक्स करने आए थे, और वाइट ने मेरे को सियान के सामने मार दिया है। तो वाइट को लगा कि मैं तो गेम हारने वाला हूँ, चलो बैकस्टेबल को भी साथ में लेके जाता हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि बैकस्टेबल तो मरने के बाद भी जीत सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी टीम जीत रही होती है सोच समझ के अपना स्टेप बैक लीजिएगा, अगर यहाँ पे वाइट ने कहीं और पे किसी को मार दिया होता तो उसके जीतने के चांसेस थे, क्योंकि मैं बैकस्टेबर हूँ, मैं दोनों टीम से खेल सकता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर एक ही इम्पोस्टर बचा है तो स्पेस क्रू का ही साथ दीजिएगा, किसी को मारिएगा मत। तीसरी टिप ये है कि अगर गेम में वाइट जग आता हो तो कभी भी अपना रोल रिवील मत कीजिएगा, अच्छी लॉबी आई होगी तो भी सोच समझ के अपना रोल रिवील कीजिएगा, कि वाइट जग क्या होते हैं ना, बहुत पागल लोग होते हैं बंदे ना, उन लोगों से गेस नहीं होता सही, तो वो लोग ना बैकस्टेबर को गेस करके निकाल देते हैं। मेरे साथ ऐसा 4 से 5 बार हो चुका है, वाइट जग ने मेरे को गेस करके निकाल दिया, मैंने किसी को किल भी नहीं किया था, ऑलरेडी मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, फिर भी उन लोगों ने मेरे को गेस करके निकाल दिया। इससे अच्छा तो ब्लैक जग होता है जो मेरे को कभी गेस नहीं किया तक। देखो, मैं बहुत बार बैकस्टेबर का रोल खेल चुका हूँ, और जितनी भी बार वाइट जैक आया है ना मेरी गेम में, उतनी बार वाइट जैक ने मेरे को गेस किया है एज अ बैकस्टेबर। उस नूब लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई तुम लोग बैकस्टेबर को गेस करने जा रहे हो तो तुम लोग एक स्पेस क्रू को ही गेस कर रहे हो, क्योंकि बैकस्टेबर ने अभी किल ही नहीं किया है तो वो तुम्हारी साइड ही है ऑलरेडी। तो कभी भी आप वाइट जैक बने हो और आपकी गेम में बैकस्टेबर आता है और वो अपना रोल रिवील करता है, तो कभी भी उसको गेस मत कीजिएगा, वो तुम्हारा स्पेस क्रू ही है, वो किल करेगा उसके बाद आपको गेस करना है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर वाइट जैक आया है गेम में और आप बैकस्टेबर बने हो तो रोल मत रिवील कीजिएगा, कुछ भी हो जाए अपना रोल मत रिवील कीजिएगा, जब तक वाइट जैक गलत गेस करके मर नहीं जाता तब तक अपना रोल रिवील मत कीजिएगा। चौथी टिप्स ये है कि गेम में अगर बाउंटी हंटर आया हो तो आंख बंद करके अपना स्टैक बैक ले लीजिएगा, एक स्पेस क्रू को मार दीजिएगा। इसका रीजन ये है कि दोनों इम्पोस्टर को ना एक किल पहले से कम करना पड़ेगा, और आपने एक प्लेयर को तो वैसे भी मार दिया होगा, और मीटिंग में ना आपका रोल रिवील हो गया तो सब लोग आपको वोट आउट करेंगे, तो वो दोनों इम्पोस्टर सेफ रहेंगे। तो देखो, ये मीटिंग में अब सब लोग क्या करेंगे, मेरे को ही निकालेंगे, क्योंकि मैंने स्टेप बैक ले लिया है, मेरा नाम रेड अक्षर से लिखा हुआ रहा है, तो सब लोग मेरे को वोट आउट करके निकाल लेंगे, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि दोनों इम्पोस्टर अभी भी छुपे हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ये वही गेम है जिसमें वाइट और सियान दोनों इम्पोस्टर थे और दोनों ने लॉबी खाली कर दी थी, जिसमें से सियान बाउंटी हंटर था, तो मेरे निकालने के बाद सियान ने पूरी लॉबी खाली कर दी थी, तो इसीलिए बाउंटी हंटर आया हो तो चुपचाप से अपना स्टेप बैक ले लीजिएगा, लेकिन अगर शुरू में बाउंटी निकल गया तो फिर अपना स्टेप बैक मत लीजिएगा। आज की लास्ट टिप्स ये है कि आप सीसीटीवी रूम में चले जाइए, क्योंकि गेम में आपका कुछ काम तो है नहीं, तो आप कैमरा झांकिएगा। आपका रोल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए आपका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो उन लोगों को तब पता चलेगा जब दोनों इम्पोस्टर जिंदा रहेंगे
और बंदे बहुत ही कम बचे होंगे, तब उन लोगों को बैकस्टबर की याद आएगी कि बैकस्टबर भाई अब आप ही हो जो हमें गेम जिता सकते हैं। देखो मैं स्पेस क्रू को ही जितवाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे 8 लोगों का प्लस होता है कंपेयर टू 2 लोगों का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई सिचुएशन पलटने वाली है, इम्पोस्टर गेम जीतने वाला है, तो आप ना स्टेप बैक लेके एक स्पेस क्रू को मार दीजिएगा, क्योंकि आप बैक स्टेबर हो, आपकी मर्जी है भाई, आपको जो भी टीम में जीतना हो आप वहाँ पे जीत सकते हैं। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल सकता कोई स्पेस क्रू या इम्पोस्टर कि भाई तू मेरे साथ ही जीत, मेरे साथ ही जीत। और हाँ गाइस, लास्ट के 10 सेकंड बचे हो सेबोटास के, तो कोई भी आप एक बंदे को मार दीजिए, क्योंकि आप नहीं मारोगे तो गेम आप भी हार जाओगे, इंपोस्टर गेम जीतेगा। तो आप मारोगे तो आप इंपोस्टर के साथ जीत जाओगे, तो इसीलिए सेबोटास के बहुत आखिरी सेकंड बचे हुए, तो एक को मार दीजिएगा। तो आई होप गाइस आपको ये बैकस्टेबर की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी पता चले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny impostor.